अरे वो तो भाई सामने ही देखिए। सो हे गाइस, सलाम नमस्ते और कैसे हो आप लोग। तो गाइस स्वागत है आपका न्यू व्लॉगर एलबी अली व्लॉग चैनल में। सो गाइस आपका भाई आ गया है एक न्यू व्लॉग के साथ और काफी मजा आने वाला है आज के व्लॉग में और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग। तो गाइस पूरा देखना व्लॉग को। और गाइस मैं फिर से ताजमहल आया हूँ और कुछ बातें ऐसी मुझे इतिहास की नई पता चली जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ। गाइस मुझे कुछ ऐसी बातें इतिहास की पता चली, कुछ नई बातें थी, तो गाइस मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो मैं फिर से ताजमहल इसलिए आया हूँ और गाइस मैं वो बातें हैं मुमताज के बारे में, मुमताज महल के बारे में। तो गाइस मैं अभी ताजमहल में एंट्री नहीं ली है, मैं अभी यहाँ पर पास में ही आ गया हूँ, अभी टिकट लूँगा उसके बाद एंट्री लूँगा और मैं वो बातें जो आपको बतानी है, जो आप लोगों से शेयर करनी है, वो बातें मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगा। और गाइस जल्दी ही मैं ताजमहल में एंट्री लेने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा ताजमहल और वो जो बातें मुमताज से संबंधित हैं मैं उन बातों को आप लोगों से शेयर भी करूँगा गाइस। सो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें गाइस कैसा लगा व्लॉग। और चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ, टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर एंट्री लेते हैं। आज संडे है तो काफ़ी भीड़ है भाई, ताजमहल में बहुत भीड़ है और मैं दूसरे रास्ते से ताजमहल में एंट्री ली है मैंने, जो पहले वाले व्लॉग में जो हम लोग आए थे उस रास्ते से हमने एंट्री नहीं ली है और गाइस दूसरे रास्ते से हमने एंट्री ली और काफ़ी भीड़ है भाई। संडे होने के सैटरडे और संडे काफ़ी भीड़ रहती है ताजमहल में और पुलिस भी काफ़ी है भाई। तो चलते गाइस जल्दी जल्दी अंदर और एंट्री लेते हैं टिकट लेकर, तो चलते गाइस। हम लोग पहले भी आए हैं यहाँ पर पहले इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा हमें कि यहाँ पर देखिए यहाँ से ही लाइन लग रही है, टिकट घर तक जाने के लिए लाइन लगी हुई है और टिकट लेने के लिए भी लाइन लगेगी गाइस, तो काफ़ी टाइम लगेगा भाई। और यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है भाई, बहुत ही ज़्यादा लंबी है और पहली बार मैं तो देख रहा हूँ इतनी लंबी लाइन लग रही है यहाँ पर। तो गाइस चलते हैं, इस लाइन में लगते हैं और फिर उसके बाद लेते हैं भाई टिकट, और प्रॉब्लम तो होगी भाई पर टिकट लेनी है, तो चलते, काफ़ी लंबी लाइन है भाई। तो गाइस आज तो पहले से भी लंबी ज़्यादा लाइन है भाई, पहले जब हम आए थे तो काफ़ी इतनी भीड़ नहीं थी और लाइन तो थी पर काफ़ी छोटी थी और अब तो बहुत लंबी लाइन है भाई। तो गाइस बड़ा मुश्किल है भाई टिकट लेना तो, और ऑनलाइन करा लेते पर ये है कि एंट्री में भी बहुत लंबी लाइन है, वो तो बाहर तक है भाई, क्योंकि अभी उसी लाइन में से मैं निकल कर आया हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है ब्लॉग के पीछे कि कितनी लंबी लाइन है भाई। और आज तो भाई ऐसा लग रहा है कि शाम हो जाएगा और देखिए टिकट घर पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। सो गाइस देखते हैं बाहर की तरफ कितनी भीड़ है। भाई और देखिए यहाँ पर भी बहुत भीड़ है भाई, बहुत लंबी लाइन है और देखिए यहाँ से ये एग्जिट है, ये सामने एग्जिट है, एग्जिट गेट, और ये देखिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है, कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये एग्जिट है, अगर गाइस टिकट भी ले ली ना तो बहुत लंबी लाइन है, जिस लाइन में से मैं अभी निकल कर आया हूँ वो एंट्री लाइन है, टिकट घर पर अलग लाइन लगी हुई है, टिकट लेने के लिए वो एंट्री लाइन है, जिस लाइन में से मैं निकल कर आया हूँ भाई टिकट ले भी ली तो बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसे तो ब्लॉक को काफ़ी टाइम हो जाएगा। सो गाइस मैंने सोचा है कि यार आज तो ब्लॉक बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि बन जाए। और यहाँ से देखिए यहाँ एंट्री हो रही है, ये देखिए ये एंट्री हो रही है अंदर की साइड, ये देखिए यहाँ से एंट्री हो रही है और ये एग्जिट है, इधर से एग्जिट होता है और गाइस काफ़ी मुश्किल लग रहा है भाई। तो चलते हैं इधर देखते हो, काफ़ी भीड़ है भाई, बहुत ही भीड़ है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अगर टिकट ले भी ली टिकट की लाइन में लगेंगे घंटों, फिर उसके बाद एंट्री लाइन में लगेंगे घंटों, तो ऐसे तो शाम हो जाएगी भाई। और काफ़ी गलत टाइम पे आया मैं, क्योंकि आज संडे भी है और क्रिसमस है आज, तो काफ़ी एक त्यौहार भी हो गया और संडे भी है तो काफ़ी भीड़ है। सो गाइस देखता हूँ ये एग्जिट है, एग्जिट रास्ता है ये, एक एग्जिट इधर से भी है, एग्जिट गेट इधर भी है एक, और एक यहीं पे ताजमहल के पास ही पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ये है मार्केट, जो यहाँ पे संगमरमर के सामान मिलते हैं। for me and you
देखिए यहाँ पर मार्केट, और ये मार्केट बनी हुई है जो एग्जिट गेट के जस्ट बाहर है। ये मार्केट बनी हुई है यहाँ पर, मतलब संगमरमर के कुछ ताजमहल ऐसे मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और कितने टोटल? और ये एग्जिट गेट है भाई, यहाँ से सामने जो गेट दिख रहा है आपको, ये एग्जिट गेट है। कुछ भी नहीं आया, और देखिए भाई मुश्किल है टिकट मिल पाए, और मैंने टिकट ली भी नहीं है अभी। ये एग्जिट गेट गाइस, अरे वो तो भाई सामने ही देखिए, ये देखिए यहाँ से मतलब एग्जिट गेट से होके यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर बस्ती आएंगे, मतलब बस्ती बनी हुई है ताजमहल के बिल्कुल करीब है, और ये बस्तियाँ बनी हुई हैं भाई, और काफ़ी मतलब यहाँ से थोड़ा अंदर जाके ताजमहल के बिल्कुल पास बनी हुई हैं ये बस्तियाँ, और मतलब बिल्कुल करीब हैं ताजमहल के एग्जिट गेट से निकलने के बाद, और यहाँ से कुछ लोग भी आते हैं। ये देखिए फिर से वहीं आ गए हम एग्जिट गेट से निकल के। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर ये एग्जिट गेट था, और एग्जिट गेट से निकल के मतलब ये दूसरा एग्जिट गेट था मैं जो निकल के आया था, एक ये वाला एग्जिट गेट है। और गाइस ये देखिए यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं उस गेट से, और काफ़ी मतलब गलियों में होकर है, वो बस्ती में होकर है जो ताजमहल के करीब सबसे करीब बस्तियाँ पड़ती हैं। और गाइस टिकट लेना तो भाई मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं अभी देख कर आया हूँ, थोड़ा अंदर का व्यू भी दिखाया मैंने कि काफ़ी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, तो टिकट लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि टिकट मिलेगी घंटों में, फिर घंटों में एंट्री होगी, तो ऐसे तो भाई शाम हो जाएगी। सो गाइस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और यहाँ से निकल रहा हूँ भाई घर के लिए, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल है टिकट लेना, तो बेकार है। देखिए भीड़ कितनी दिख रही है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए भाई एंट्री लाइन कितनी बड़ी है, और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, एंट्री लाइन है ये। मैं पहले इसमें ही लगा हुआ था, मैं समझ रहा था कि मतलब टिकट मिलेगी, ये टिकट के लिए लगी है लाइन, और मुझे क्या पता ये एंट्री लाइन है, और ये मतलब पहले टिकट लो फिर यहाँ पे लगो फिर उसके बाद एंट्री होगी। और ये त्यौहार के मतलब त्यौहार है और फिर संडे है, तो इस चक्कर में हुआ है ये सब कुछ। देखिए यहाँ पर ये गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब यहाँ पर घूमने के लिए ये गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादातर फॉरेनर के लिए चलती है, जो बाहर कंट्रियों से आते हैं उन लोगों के लिए, और काफ़ी भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और यहाँ पर मतलब सब लोग बैठते हैं, इंडियन भी फॉरेनर भी, तो इसमें मतलब ये ताजमहल अंदर ले जाती है, और फिर वहाँ से एंट्री होती है VIP एंट्री वालों के लिए ये। तो गाइस मैं तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, और आज का ब्लॉग तो नहीं हो पाएगा भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बन पाएगा, क्योंकि ब्लॉग इसलिए नहीं बन पाएगा भाई, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, अगर टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि मुश्किल होगा फिर। ये गाड़ियाँ देखिए बाहर से भी लेकर आती हैं, मतलब जो गेट है मेन गेट, उस गेट से लेकर और यहाँ टिकट घर तक लेकर आती हैं सबको। और ये देखिए ये गाड़ियाँ, और गाइस अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि भाई जितना घूमना था घूम लिया, और एंट्री मतलब टिकट भी नहीं मिली और एंट्री भी नहीं मिली, और वैसे मैं लेता तो बहुत टाइम लग जाता, मिल तो जाता सब कुछ, टिकट भी मिल जाती और घंटों लग जाते टिकट में और घंटों लग जाते एंट्री में, तो इसलिए मैंने सोचा भाई रहने दो, किसी और दिन आएंगे, जिस दिन मतलब छुट्टी ना हो, जिस दिन छुट्टी ना होगी उस दिन आएंगे तो बढ़िया रहेगा, और आराम से ब्लॉग बन भी जाएगा। सो गाइस मैं मतलब इस ब्लॉग को बनाऊँगा, और आप लोगों को जिस इतिहास के बारे में बताने वाला था, जिस बात के बारे में बताने वाला था, और मुमताज़ के बारे में कुछ बताने वाला था, वो सब कुछ बताऊंगा। और गाइस
आप लोगों से शेयर भी करूँगा सारी बातें। तो मैं जल्दी उस ब्लॉग को मतलब कंप्लीट करूँगा, बनाऊँगा इसको और इस ब्लॉग को भी अपलोड करूँगा मैं अपने चैनल पे। आप लोग देखना कि कितनी भीड़ थी और कैसे लाइन में मैंने मतलब काफ़ी कम से कम एक घंटा मैं लाइन में लगा रहा। फिर उसके बाद पता चला कि भाई मतलब टिकट लेकर मतलब लोगों की लगी हुई है लाइन, मतलब जो टिकट लेकर आए हैं उनकी लाइन लगी हुई है और फिर ये एंट्री लाइन है और टिकट वालों की अलग थी लाइन, तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने ब्लॉग देखिए काफ़ी भीड़ आ रही है भाई, आज छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है और स्कूल के बच्चे भी बहुत आए हैं। तो चलते हैं गाइस, बाहर निकलते हैं हम अपने और पहुंचते हैं घर पर। गाइस अभी आ गए हम मतलब मेन गेट पे, जो ताजमहल का मेन गेट है, और यहाँ से निकलेंगे बाहर और पहुंचेंगे भाई घर, क्योंकि ब्लॉग आज का यहीं तक। और भाई भीड़ के चक्कर में मतलब ब्लॉग नहीं बन पाया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए नहीं बन पाया भाई। तो चलते हैं बाहर। सो गाइस अभी पहुंच चुका हूं घर और अभी भाई घर आया हूं। और गाइस मतलब व्लॉग में जो चीज़ दिखाने वाला था और कुछ इतिहास की ऐसी बातें बताने वाला था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी मुझे नई बातें पता चली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। सो गाइस वो बातें मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया और ना मैं कुछ दिखा पाया आप लोगों को, और जो बातें थी वो मुमताज़ के बारे में थी। सो गाइस उस पर मैं अलग से एक व्लॉग पक्का बनाऊँगा एक दिन, मतलब जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं पक्का ताजमहल जाकर आप लोगों के लिए वो व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को इस इतिहास की बातों से रूबरू कराऊंगा। सो गाइस मतलब मैंने अभी ये व्लॉग बनाया है और मतलब मैंने इस व्लॉग में भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं आप लोगों को कि हमें किस दिन मतलब जाना चाहिए ताजमहल, किस दिन नहीं जाना चाहिए और किस दिन कम भीड़ मिलेगी, किस दिन ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो मैंने मतलब काफ़ी बातें ऐसी बताई हैं, तो आप ब्लॉग को पूरा देखें और काफ़ी मज़ा आएगा इसमें भी। और काफ़ी भीड़ थी भाई, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें थी, तो इस चक्कर में मैंने सोचा यार ऐसे तो मुझे शाम हो जाएगी, तो मैंने इसलिए मतलब वहाँ से एग्जिट किया और मैं निकल आया वहाँ से। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। और गाइस प्लीज़ आप लोग मतलब ब्लॉग को देखना तो आपको पता चलेगा कि किस दिन जाना चाहिए ताजमहल और किस दिन नहीं जाना चाहिए। सो गाइस मतलब अगले ब्लॉग में पक्का दिखाऊंगा आप लोगों को। और गाइस आज का ब्लॉग तो इतना ही और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। और गाइस आप वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। गाइस तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड बाय।